यहाँ हम कर रहे हैं बस का इंतज़ार। और बड़ा अच्छा सिस्टम है, अगर आप वेटिंग में हैं यानी अगर बस नहीं आई तो 2-3 मिनट 4 मिनट आप आराम कर सकते हैं। BRT बस स्टेशन में हर किस्म की सहूलियात अवेलेबल हैं और काफ़ी खूबसूरत साफ़ सुथरा, बल्कि साफ़ सुथरे ये सारे स्टेशंस रखे गए हैं, ब्यूटीफुल। अच्छा ये देखें, ये 3 कुर्सियां हैं, एक पे तो मैं बैठा हूँ और ये 2 खाली हैं, लेकिन जब तक मैं यहाँ बैठा रहूँगा ना तो किसी की मजाल नहीं है वो मेरे साथ आके बैठे। ऐसा दबदबा है हम मुगलों का। The next day. अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कल आपने देखा होगा जैसे मैं अभी आया हूँ बस के ज़रिए घर पहुँचा था कल, लेकिन जब गांव पहुँचा तो पता चला कि एक मैयत हो गई है, फोतगी हुई है, तो फिर बिल्कुल व्लॉग नहीं बना सका। और आज अभी सुबह सुबह जा रहा हूँ दफ्तर और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उसका जो नमाज जनाजा है वो 2 बजे है, तो इंशाल्लाह मैं अभी जाऊँगा और 12 बजे फिर दफ्तर से निकलूँगा। और आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊँगा कि गांव देहातों में जो जनाजे हैं वो कैसे पढ़ाए जाते हैं। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। तो बस हम जी जल्दी जल्दी अभी मैं सुबह भी निकला हूँ, जल्दी निकला हूँ ताकि जल्दी ऑफिस पहुँच के सारे जो काम है वो ख़त्म करूँ और फिर 12 बजे मैं वहाँ से निकल पाऊँ। 12 बजे निकलूँगा तो फिर मैं आराम से 2 बजे जनाजा अटेंड कर सकूँगा। और ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है ये किसकी है भला, पता है? ये देखिए जहाज़ है। इन गोभी के पत्तों के ऊपर मैं आपको ओस दिखाता हूँ, ओस देखो, ये देखें जी, ठंड की वजह से इन पत्तों के इर्द गिर्द सारी ओस है। ये देखें हमारे गांव में घोड़े, ये दूसरा देखें। और वो सूरज मामू भी निकल रहा है। और ये है हमारे गांव के खेत। अच्छा ये जो नदी है इसमें पानी कम हो गया, इसका मतलब है दिसंबर में ये पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। दिसंबर के महीने से इन नदियों में पानी कम होना शुरू हो जाता है और फिर बिलाखिर दिसंबर के आखिर में इन नदियों में पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। फिर जनवरी फरवरी में इनकी सफाई की जाती है सारी नदियों की, और फिर फरवरी के एंड में या मार्च में फिर इनमें पानी चलना शुरू हो जाता है। Many hours later. या अल्लाह खैर। अच्छा जी, तो बड़ी स्पीड से आया हूँ, 12 बजे मुझे दफ्तर से निकलना था लेकिन नहीं निकल सका। दफ्तरों का तो आपको पता है, एक दफ़ा घुस जाओ फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो बहरहाल 12:30 निकला हूँ और अभी मैंने टाइम देखा है 1:25 है, 2 बजे जनाजा है, तो अभी मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी घर पहुँचूँ और वज़ू करूँ। काफ़ी स्पीड से मैं आया हूँ और वज़ू करके नमाज़ पढ़ूँगा इंशाल्लाह ज़ोहर की, और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर जाऊँगा क्योंकि थोड़ा सा पहले पहुँचना होता है और जनाजा इंशाल्लाह अटेंड करेंगे, तो सारा आपको मैं दिखाऊँगा। ये सारा उस सिरे से लेके आखिर तक ये जनाजे की जगह है, तो यहाँ पर अभी हम पढ़ेंगे जनाजा और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको दिखा सकूँ कि कितने लोग यहाँ पर आते हैं। वैसे उस वक्त वीडियो बनाना ज़रा सी मुश्किल होगी लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको वीडियो दिखा सकूँ। ये देखें लोग जमा होना शुरू हो चुके हैं। अच्छा जी, तो जनाजा हो चुका है और जनाजे के बाद अब हम जा रहे हैं कब्र की तरफ, तो काफ़ी ज़्यादा लोग थे। कुछ क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए हैं जो आप देख रहे हैं, तो अभी जा रहे हैं हम कब्र की तरफ। अच्छा जी, दरवाज़े में इसलिए खड़ा हूँ कि लाइट नहीं है, अंदर सारा अंधेरा है और जनाजा पढ़ के मैं आ चुका हूँ,
और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने, तकरीबन पूरे गांव ने और 7 गांव वाले लोगों ने भी इस जनाजे में शिरकत की है। उसकी वजह यह है कि ये इतना अच्छा बंदा था, एक बड़े घराने का बंदा था, लेकिन उसके बावजूद ये हर कब्र में, अगर इसको पता चल जाता था कि गांव में कोई फौतगी हुई है ना, तो ये कब्र में पहुँच जाता था। और जो भी कब्र की खुदाई में हिस्सा लेते थे, ये एक हिसाब से उनका बड़ा था, उनको मशवरे देता था, क्योंकि शुरू से ये हर कब्र में पहुँचता था। तो बहुत ही अच्छा बंदा था और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसके जनाजे में शिरकत की है। मैं आपको फिर भी उस तरीके से नहीं दिखा सका, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग थे। ये जितनी सड़क आपको अभी नज़र आ रही है ना, ये एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऐसे ही लोग जा रहे थे जनाजा पढ़ने के लिए भी, और जनाजे से जब फारे हुए तो वापस अपने घरों के लिए भी। पूरी सड़क शुरू से लेकर आखिर तक भरी हुई थी। आप लोग स्कूल से आ चुके हो? हाँ। ये स्कूल से आ चुके हैं। मैं कहती हूँ कि अभी जनाजा पढ़ने गया था तो इन लोगों ने तो खाना खा लिया, मैंने खाना नहीं खाया था, मैं भी खाना खाता हूँ। आप जनाजा पढ़ के कब्र में चले गए थे, इसलिए आपका ज्यादा टाइम लगा है। जी जी बेटा, जी बेटा। ये जो मेरा मुन्ना है, ये रात को मेरे साथ सोता है, तो वो तो ठीक है, लेकिन मैं जहाँ जाता हूँ ये मेरे साथ जाता है। रात को मैं इतना देर अंधेरे में सबक अरे मोटरसाइकिल गुजरा है, शोर था, अंधेरे में मैं निकला हूँ रात को लेट, 10 बजे भी ये मेरे साथ किया है। हर वक्त मेरे साथ जाते हो? हाँ। चीजें लेके इसको दो बस। A few moments later. अभी से जा। छोड़ो, छोड़ो। तो जैसा कि आप लोगों को अफना ने बताया होगा कि हम लोग कल लेकर आए थे सिलेंडर, तो सिलेंडर के साथ एक हो, तो सिलेंडर के साथ एक इमरजेंसी हो गई थी, तो आए बाबा से पूछते हैं वो इमरजेंसी क्या हुई थी। तो जी साहब आप बताएं कि सिलेंडर के साथ क्या इमरजेंसी हुई थी। हाँ यार, सिलेंडर के साथ एक इमरजेंसी हुई थी और बहुत ही ख़तरनाक इमरजेंसी हुई थी, लेकिन बस बात यह है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मैंने जनाजा भी अटेंड किया है, सुबह से मैं दौड़ ही रहा हूँ। तो आप बेटा, आप खुद ही बता दो। मुझे खुद ही बताना पड़ेगा। तो इमरजेंसी ये थी कि कल मैं सिलेंडर भरवाने के लिए ले गया था, जब मैंने उसे कहा कि इसमें 500-600 की गैस डालो, जब वो गैस डालने लगा, जब उसमें गैस डल गए, जब वो उसका वो जो नट था वो बंद करने लगा, तो अचानक वो फट गया, ऐसे मतलब ऐसे चारों तरफ से हवा निकलने शुरू हो गई। फिर वो कहता है चलो मैं इसको ठीक कर देता हूँ, वो ठीक करने लगा, लेकिन वो कहता है ठीक भी नहीं होता। फिर कहते हैं इसे आप घर ले जाओ और बाइक किसी खुली जगह में रखना, अगर कमरे में रखा या लाउंज में रखा तो इसमें खतरा है ना, मतलब खतरा हो सकता है फटने का। हमने सारी रात बाहर रखे रखा, उससे फिर गैस निकलती रही पूरी रात, और सारी, क्योंकि वो सिलेंडर लीक था इसलिए हमारी सारी गैस ज़ाया हो गई। और फिर आज बाबा गए नए सिलेंडर लेके आए, तो मैं भी आपको वो भी दिखाता हूँ। नहीं भाई, तो ये हमारा नया सिलेंडर, ये नया, इसमें कुछ खराबी नहीं, हमने चेक किया है, लेकिन फिर भी हमने इसे बाहर रखा हुआ है। ये बहुत खतरनाक चीज है दोस्तों, ये इससे आप लोगों ने बच के रहना है, बच कर, ये बहुत खतरनाक चीज है। हवा मवा तो नहीं निकल रही है ना, हम अंदर सोए पूरी रात, हवा मवा निकल रही हो। अच्छा जी, तो इस व्लॉग का यहीं पर करेंगे इख्तिताम। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, व्लॉग को लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।